उत्तर प्रदेश में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। ग्रेटर नोएडा से थोड़ा आगे जेवर में बन रहे इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तैयार होने के बाद कुल 6 रनवे होंगे। ये एयरपोर्ट हर साल 14 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगा और इसे बनाने में 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यूपी का नया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से करीब 90 किलोमीटर दूर है और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का कहना है कि इस एयरपोर्ट के बनने के बाद जेवर में 1,00,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, जो इस वक्त जेवर की 32,000 लोगों की जनसंख्या से भी 3 गुना अधिक है। एयरपोर्ट में 4 टर्मिनल बनाए जाएंगे और एयरपोर्ट के आसपास एरो सिटी, फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, सिनेमाज और फसल मंडी, देश का सबसे बड़ा कार्गो हब, डिफेंस कॉरिडोर और अनेक 5-स्टार होटल्स बनेंगे। और ये डेवलपमेंट आने वाले 10 सालों में जेवर को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। तो आखिर कब बनकर तैयार होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? क्यों दिल्ली में 3 एयरपोर्ट होने के बावजूद चौथा एयरपोर्ट बनाने की जरूरत पड़ी और आखिर क्यों इस प्रोजेक्ट को चीन और अमेरिका के भी होश उड़ रहे हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का काम 4 साल पहले ही शुरू हो चुका है, लेकिन इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का इतिहास 25 साल पुराना है। जी हाँ, साल 2001 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहली बार जेवर एयरपोर्ट बनाने का प्लान पेश किया। तब इसका नाम ताज इंटरनेशनल एविएशन सेंटर रखा गया था और इसका कंस्ट्रक्शन 2007 में शुरू होने वाला था, लेकिन तभी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैनेज करने वाली GMR ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा कि IGI से सिर्फ 89 किलोमीटर दूर एक नया एयरपोर्ट बनाने से हमारे पैसेंजर्स और प्रॉफिट्स दोनों कम हो जाएंगे। उसके बाद 2012 में जब उत्तर प्रदेश में नई सरकार आई तो उन्होंने इसे फिरोजाबाद के एतमदापुर में शिफ्ट करने का निर्णय लिया और जमीन भी खरीद ली, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे फिर से जेवर में शिफ्ट कर दिया और 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि आप जल्दी से एयरपोर्ट का काम शुरू करें। और यूपी सरकार ने भी जेवर में एयरपोर्ट को काफी बड़ी जमीन अलॉट कर दी और अब 2019 में एयरपोर्ट बनाने और उसे ऑपरेट करने के लिए टेंडर इशू किया गया, जिसमें अडानी ग्रुप, GMR ग्रुप, एनकोरेज ग्रुप और ज्यूरिक इंटरनेशनल ग्रुप ने बोली लगाई, जिसमें से ज्यूरिक को 40 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और उन्होंने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए भारत में अपनी कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की नींव रखी और साल 2020 में इस एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। लेकिन अब सवाल आता है कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने के लिए जेवर टाउन को ही क्यों चुना गया? तो देखिए, दिल्ली के उत्तरी इलाके में ही ज्यादातर लोग रहते हैं, जैसे कि फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। वहीं ये जगह यूपी के मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर से भी ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में इस जगह से एयरपोर्ट को काफी बड़ा कवरेज मिल रहा था। अब बात करें कि एयरपोर्ट कितना बड़ा होने वाला है और इसे बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यूरिक ग्रुप साल 2050 तक इस एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन जारी रखेगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी 2050 में ही हो पाएगा, बल्कि इसे 2025 में ही कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए खोल दिया जाएगा। दरअसल इस एयरपोर्ट को 4 फेज में बनाया जा रहा है, जिसमें से पहले चरण में एयरपोर्ट का 1 रनवे और टर्मिनल का आधा हिस्सा बनाया जा रहा है, जिसमें यात्रियों के लिए एयरपोर्ट जल्द से जल्द खोला जा सके, जिसके बाद दूसरा चरण में टर्मिनल का बचा हुआ हिस्सा और दूसरा रनवे बनाया जाएगा, जिसका काम 2030 तक पूरा होगा। इसमें करीब 30,000 करोड़ रुपए लगेंगे। इसी के साथ 2030 तक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कैपेसिटी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जितनी, यानी कि सालाना 7 करोड़ पैसेंजर्स को ले जाने की हो जाएगी, जिसमें 14 करोड़ पैसेंजर्स जाएंगे। और अगर सब कुछ सही रहा तो 2050 तक इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी सालाना 22 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इस तरह नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा, जिसे देखकर चीन और अमेरिका भी हैरान हो गए हैं, क्योंकि इस वक्त इन दोनों देशों के पास ही ऐसा एयरपोर्ट है जो सालाना 10 करोड़ पैसेंजर्स को सर्व करता है। ऐसे में भारत सिविल एविएशन सेक्टर में भी इन दोनों से आगे निकल जाएगा। लेकिन क्या यात्रियों के लिए जेवर तक पहुंचना आसान होगा? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि सरकार ने इसके लिए पहले से ही प्लान्स तैयार कर लिए हैं। सबसे पहले रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो भारत सरकार जेवर एयरपोर्ट से एक 30 किलोमीटर लंबा हाईवे बना रही है, जो सीधा देश के सबसे बड़े और मॉडर्न दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और फरीदाबाद के साथ भी जुड़ेगा। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे और KGP एक्सप्रेसवे को भी जेवर एयरपोर्ट से कनेक्ट किया जा रहा है। पर रेल ट्रांसपोर्ट के मामले में जेवर एयरपोर्ट के साथ मेट्रो, सेमी हाई स्पीड रेलवे और हाई स्पीड रेलवे को भी कनेक्ट किया जा रहा है, ताकि कार्गो और यात्रियों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचने में आसानी हो, जिसमें से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है गाजियाबाद जेवर रेल प्रोजेक्ट,
जिसमें 16,000 करोड़ रुपए खर्च कर 71 किलोमीटर का नया ट्रैक बिछाया जा रहा है जो गाजियाबाद से जेवर के बीच 11 स्टेशन को जोड़ेगा। इसके अलावा एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट में जेवर के साथ हिसार एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और अयोध्या एयरपोर्ट को भी कनेक्ट किया जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल वही है कि दिल्ली में इस वक्त 3 एयरपोर्ट मौजूद हैं, तो क्या वाकई में चौथा एयरपोर्ट बनाने में हजारों करोड़ खर्चना सही है? तो इसके लिए हमें दिल्ली के तीनों एयरपोर्ट के ऑपरेशंस पर नजर डालनी होगी, जिसमें नंबर एक पर है दिल्ली की शान इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 5,200 एकड़ में फैला हुआ यह एयरपोर्ट इस वक्त 3 टर्मिनल वाला है। T1 और T2 टर्मिनल डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए हैं, जबकि T3 डोमेस्टिक के साथ इंटरनेशनल फ्लाइट्स में भी मैनेज होता है। साल 2023 में 7,30,00,000 पैसेंजर्स को सर्व करने वाला यह एयरपोर्ट दुनिया का 10वां सबसे बिजी एयरपोर्ट था। पिछले साल IGI पर 10,00,000 टन कार्गो ट्रांसपोर्ट किया गया और दुनिया भर की 4,42,000 फ्लाइट्स ने इन एयरपोर्ट्स पर टेक ऑफ या लैंडिंग की। यह एयरपोर्ट पूरे उत्तर भारत का इंटरनेशनल हब है, जहां से 41 देशों और 141 एयरपोर्ट्स पर डायरेक्ट फ्लाइट्स जाती हैं और यह इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट से कई गुना ज्यादा है। लेकिन IGI एयरपोर्ट की यह भव्यता ही उसके लिए सबसे बड़ी कठिनाई बन रही है। दरअसल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड के सभी इंटरनेशनल पैसेंजर्स रोड या ट्रेन ट्रेवल करके दिल्ली एयरपोर्ट ही आते हैं। वहीं अहमदाबाद, चेन्नई और बेंगलोर से भी कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स के बीच में दिल्ली एक कनेक्टिंग पॉइंट होती है। ऐसे में IGI एयरपोर्ट हमेशा व्यस्त रहता है, जिस वजह से कई बार यात्रियों को बोर्डिंग के लिए 2-2 घंटे लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और यहाँ कई बार रनवे बिजी होने की वजह से फ्लाइट्स भी डिले हो जाती हैं। इसके अलावा इस एयरपोर्ट को थोड़ा थोड़ा करके बनाया गया है, तो इसके सभी टर्मिनल्स के बीच अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है। जैसे कि T1 से T3 जाना हो तो करीब आधा घंटा निकल जाता है, क्योंकि इस टर्मिनल के बीच बस सर्विस तो रखी गई है लेकिन वो हर 20 मिनट में चलती है। इसके अलावा कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से होते हुए किसी और स्टेट में जाना चाहता हो तो उसे पहले इमिग्रेशन क्लियर करके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाना पड़ता है, जिससे उसे काफी परेशानी होती है। अब यहां तक तो मैनेजेबल है, लेकिन IGI में पैसेंजर्स हर 8 में से 10% से बढ़ रहे हैं, यानी अगले 10 सालों में पैसेंजर्स का आंकड़ा 14 करोड़ पार चला जाएगा। ऐसे में IGI को एक दूसरे एयरपोर्ट की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, और क्योंकि अब IGI के आसपास ज्यादा जगह नहीं है जिससे एयरपोर्ट को और बड़ा बनाया जा सके। लेकिन इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की मदद के लिए दिल्ली के हिडन एयरपोर्ट को भी खोला जा सकता है ना? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इस एयरपोर्ट के आसपास भी एक्सपेंशन की कोई जगह नहीं है। इसके अलावा साल 1960 में हिंडन एयरपोर्ट इंडियन एयरफोर्स का एक मेजर बेस रहा है। ऐसे में अगर कभी एयरफोर्स को इमरजेंसी उड़ान भरनी पड़ी तो पैसेंजर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उस वक्त रनवे क्लोज हो जाएगा। हालांकि 2017 में यहाँ एक टर्मिनल भी बनाया गया था, लेकिन 2023 में उसे बंद कर दिया गया। वहीं बात करें दिल्ली के तीसरे यानी कि सफदरजंग एयरपोर्ट की, तो यह काफी छोटा एयरपोर्ट है जो इस वक्त सिर्फ VIP हेलीकॉप्टर्स के लिए इस्तेमाल होता है, जिनमें सवार होकर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर IGI एयरपोर्ट तक जाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर से सफदरजंग एयरपोर्ट तक एक टनल भी बनी हुई है। ऐसे में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से यहां से कमर्शियल फ्लाइट्स नहीं उड़ाई जा सकती। इसके अलावा बढ़ती एयर ट्रैफिक को देखते हुए एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट और विस्तारा जैसे घरेलू एयरलाइंस कंपनीज ने भी एयरबस और बोइंग को नए एरोप्लेन्स का ऑर्डर दिया है। वहीं इंटरनेशनल एयरलाइंस भी भारत आने वाली अपनी फ्लाइट्स बढ़ा रही हैं। ऐसे में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही आगे चलकर एयर ट्रैफिक मैनेज करने में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मदद कर पाएगा। वहीं इसके अलावा देश भर में कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाए जा रहे हैं। जैसे कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ 6 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, लेकिन आज यूपी में एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। वहीं आजादी से साल 2014 तक जहां देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट्स ही बन पाए थे, पिछले 10 सालों में उनकी संख्या बढ़कर 137 एयरपोर्ट्स तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, क्या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जेवर एक सही जगह है, और रोड, रेल या हवाई यात्रा में से आपको कौन सा मोड पसंद है, कमेंट्स में बताइए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।